यहाँ का विशाल दरवाजा, गढ़, किला, मंदिर सभी अपने आप में एक ऐतिहासिक परिचय को संजो कर रखे हैं। ये मालभूम साम्राज्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसे, जिसे पाथोर दरवाजा कहा जाता है। बांग्ला में पत्थर को पाथोर कहते हैं। ऊपर में सैनिकों के लिए द्वार बनाया हुआ था, जहाँ से तीरंदाज लोग भी रहा करते थे। ये मंदिर टेराकोटा मिट्टी से बनाए गए हैं, जिसे बांग्ला भाषा में पोड़ा माटी कहते हैं, यानी जली हुई मिट्टी या पकाई हुई मिट्टी। यह शानदार मंदिर जोड़ बांग्ला मंदिर या केष्टो राय मंदिर है। इसे जोड़ बांग्ला मंदिर कहते हैं क्योंकि इसे एक जोड़ी के रूप में बनाया गया है। इसका निर्माण मल्ल राजा रघुनाथ सिंह ने सन 1655 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर के चारों ओर लगा फूलों का बागीचा मंदिर के सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। इस क्रम में एक अत्यंत ही देखने योग्य मंदिर है, दक्षिण मुखी राधा गोविंद मंदिर। इसे लैटेराइट पत्थर के विशाल चबूतरे पर बनाया गया है तथा विभिन्न फूल, पत्ते, पशु, प्रकृति से जुड़े आकृति और पौराणिक कहानियों की आकृति इसमें उकेरे गए हैं। इसका निर्माण मल्ल राजा चैतन्य सिंह ने 1758 ईस्वी में कराई थी। इट्स टू हॉट ओवर हियर और हम ये लस्सी पी रहे हैं, पीना चाहिए, बहुत ही एनर्जेटिक होता है। ताकि अपना शॉपर नाम की आइसी एंड स्पाइसी। ये भी एक रत्न शिखर वाले मंदिरों में से एक है। इसे मल्ल राजा वीर सिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था और ये लैटेराइट पत्थरों के द्वारा बनाया गया है। और इसकी एक खासियत है, यह कृष्ण मंदिर है और इसके चारों ओर बाउंड्री वॉल किया गया था। दोस्तों, हम लोग पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला में आए हैं और यहाँ का लोकगीत न सुने ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए सुनते हैं यहाँ का लोकगीत, जिसे कहते हैं बाउल गान। आवार एगारो मासे तीन की संतान कोंचा करे बे फकिरी चादर गाए चादर ले गाछे आमरा बे बे करे बकी चादर गाए।